हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक मर्जिंग को लेके, या फिर कह लीजिए बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके। जैसे एक न्यूज़ निकल के आ रही है, अभी अभी नई न्यूज़ है न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार, कि अब और सरकारी बैंकों का नहीं होगा मर्जर। सरकार ने संसद में दी जानकारी, मतलब इस न्यूज़ में ये कहा गया कि वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया है कि फिलहाल जो कोई भी बैंकों का यहाँ पर मर्ज नहीं किया जाएगा इस चालू वित्त वर्ष में। मतलब 21-22 में जो है यहाँ पर कहा गया था कि दो सरकारी बैंकों का यहाँ पे निजीकरण किया जाएगा। 1 फरवरी को एक बजट पेश किया गया था, 21-22 में यहाँ पे रखा गया था कि दो बैंक को निजीकरण और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा, और उसके बाद जो 1.75 लाख करोड़ रुपये यहाँ पे जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। नीति आयोग को निजीकरण के लिए सिलेक्शन का काम सौंपा गया था। वर्तमान जानकारी के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन निजीकरण के लिए किया गया था। हालांकि अभी तक इसकी आधारित कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये भी न्यूज़ जो है बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ में बताया गया था कि इस निजीकरण को जो है 2022-23 में इसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इसे बढ़ा दिया गया क्योंकि ये कोरोना टाइम में इसे धीमा पड़ गया, और इसमें जो बायर भी जो चाह रही है सरकार की, इसमें बायर अच्छा मिले खरीदने के लिए, तो इसलिए जो 2022-23 के लिए इसे टाल दिया गया है और इसे अब जो है 22-23 में कंप्लीट किया जाए, जो मैं पिछला वीडियो मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर मर्जिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मोदी सरकार ने दो अलग चरणों में सरकारी बैंकों के हालात सुधारने के लिए बैंक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया अपनाई। 2019 में 10 सरकारी बैंकों का मर्ज किया गया था। इसके तहत 6 कमजोर बैंकों का मर्ज जो है 4 बैंकों में किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज किया गया था। इलाहाबाद बैंक का मर्ज जो है इंडियन बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का मर्ज केनरा बैंक में किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यहाँ पर मर्ज किया गया। और ये भी बता दें कि विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। इस समय देश में जो है कुल 12 बैंक आपको बचे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो कुल 12 बैंक बचे हैं। और जो SBI में जो है पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 एसोसिएट बैंक्स का भी वहाँ पे मर्जर किया गया था। उसके बाद जो अब जो है इस समय देश में सार्वजनिक क्षेत्र के जो है कुल 12 ही बैंक यहाँ पर बचे हैं मर्जर के बाद। अब यहाँ पर जो है सरकार जो है यहाँ पे मर्ज की, तो उसके जो 5 साल बैंकों की अच्छी कमाई हुई, जैसे न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि मर्जर का सकारात्मक असर दिखने लगा। मर्जर के बाद बैंकों की कमाई बढ़ी है। कोरोना महामारी के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5 साल में पहली बार कमाई की। केवल पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक को नुकसान झेलना पड़ा। 12 बैंकों की कुल कमाई पिछले वित्त वर्ष 31,817 करोड़ रुपये रही। बैड लोन की समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण बैंकों की हालात में सुधार आ रही है। वित्त वर्ष 19-20 में सरकारी बैंकों का कुल नुकसान जो है 26,015 करोड़ रुपये था। तो यहाँ पर जो है बैंक जब से मर्ज हुआ है तब से बैंकों की स्थिति में अच्छी खासी सुधार आई है। बैड लोन भी रिकवर हो रही है मर्जिंग के बाद। तो यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में यही बताई है कि अभी जो है बैंक को, कोई बैंक को यहाँ पे मर्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे निजीकरण किया जाएगा, जो यहाँ पे 21-22 के बजट में जो बताया गया था दो सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का किया जाएगा, वो भी इसे आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बायर खोजेगी कि सरकार की कौन से यहाँ पे कंपनी खरीद सके। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।